जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर मैं बात करूं 12 से 13,000 के बीच में दो बेस्ट फोन की, तो आज इस वीडियो में उन्हीं दो बेस्ट फोन का कंपैरिजन करने वाले हैं। IQ J6 44 वॉट वर्सेस Redmi Note 11, दोनों ही कह सकते हो काफी अच्छी प्राइसिंग के ऊपर आते हैं। दोनों में एमोलेड डिस्प्ले, काफी अच्छे कैमरा और प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, तो दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा पूरा एक्सपेरिमेंट कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोनों ही फोन्स के अगर मैं प्राइस और रेंट की बात करूं, तो दोनों ही फोन्स के प्राइस और रेंट आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो IQ का बेस वेरिएंट 128GB का है, लेकिन यहाँ पे आपको नोट 11 का जो बेस वेरिएंट है वो 64 का है। तो वो भाई आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्टोरेज आपके लिए कम पड़ सकती है, उस हिसाब से अगर आप वेरिएंट लेते हो तो भाई वो आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा। दोनों ही फोन्स के अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं, तो दोनों ही फोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन IQ में आपको 60Hz और 90Hz आपको यहाँ पे Redmi में देखने को मिलता है। लेकिन एक डिस्प्ले में यहाँ पे डिफरेंस और है, पंच होल के साथ में आपको यहाँ पे Redmi देखने को मिलता है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है IQ वाला फोन। तो वो भी भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आएगा। वैसे 90Hz के साथ में Redmi के प्लस पॉइंट है। दोनों ही फोन्स के कैमराज प्राइसिंग के हिसाब से अगर बात की जाए, तो भाई इस प्राइस में वाइड एंगल कैमरा मिलना कह सकते हो बहुत ही शानदार बात है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 50+2+2 16 MP का सेल्फी कैमरा आपको IQ में, और 50+8+2+2 के क्वाड कैमरा और 13 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे Redmi में। तो यहाँ पे कह सकते हो एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है आपको Redmi वाले फोन में, क्योंकि भाई वाइड एंगल कैमरा कह सकते हो ग्रुप फोटोज लेने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो दोनों ही फोन में 5000mAh 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 44 वोल्ट आपको यहाँ पे IQ में और 33 वोल्ट आपको Redmi में देखने को मिलता है। तो दोनों ही बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट थोड़ा सा तो बनता है कि IQ 44 वोल्ट के साथ में आता है। सबसे मेन चीज जो होती है फोन में वो आपको पता है भाई परफॉर्मेंस, या फिर कह सकते हो प्रोसेसर। अगर वो भाई किसी काम का नहीं है तो फोन में लैग होना, फोन हैंग होना, ये आपको काफी सारे दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो प्रोसेसर कह सकते हो प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिलता है, स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंतुतु स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 250,000 से लेकर 270,000 के बीच में इस प्रोसेसर के एंतुतु स्कोर आते हैं। तो उस हिसाब से भाई इस प्राइसिंग के हिसाब से प्रोसेसर डेफिनेटली बेटर है। अगर मैं दोनों ही फोन के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो यहाँ पे आपको IQ वाले फोन में 3.5mm जैक, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। और Redmi है तो भाई आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो देता ही है। तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर, IP रेटिंग, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5 जैक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी जो यहाँ पे डिफरेंस आता है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में आता है। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी, मतलब कह सकते हो फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले वाला कह सकते हो थोड़ा सा ज्यादा महंगे वाले फोन की फील देता है। तो अब बात करते हैं लास्ट ओपिनियन की, कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले मैं देखो आपको सिंपली बता देता हूँ, दोनों ही फोन काफी टक्कर के कह सकते हो, दोनों ही कह सकते हो बहुत ही ज्यादा बेटर फोन्स हैं। एक फोन सजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मैं आपको सीधा सजेशन यही देता हूँ, जो फोन आपको कह सकते हो अच्छी प्राइसिंग पे मिलता है या फिर अच्छी सेल पे आ रखा है, तो वो आप ऑफर्स वगैरह लगा के बाय कर सकते हो। दोनों ही फोन काफी बेटर है। तो भाई लास्ट ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि जो फोन आपको अच्छी प्राइसिंग पे और अच्छे ऑफर्स पे मिलता है वो फोन आपको बाय करना चाहिए। दोनों ही काफी बेटर है, या फिर आपको जिस फोन का लुक ज्यादा बेटर लगता है वो फोन आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही अमेजिंग अगली वीडियो में।